गर्मी हो गई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि
आज मुझे 50 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं सरोद बजाते हुए। वैसे इसके लिए एक दो जीवन भी थोड़े हैं। हर बारी लगता है कि अभी फिर से बच्चा बने, फिर से शुरू करें, कुछ और समझदारी से काम करें। लेकिन ये तो अथाह सागर है, इसमें जितनी भी डुबकी लगाएं, जितना भी गहरा उतरें, तभी कुछ कुछ पा पाते हैं। संगीत की बड़ी बड़ी परिभाषाएं हैं जो कि किताबों में बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी हैं, लेकिन मैं एक बात समझती हूं कि संगीत हरेक के जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो संगीतज्ञ है या नहीं है। हम जब पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो हमारे साथ रोना और गाना दोनों जुड़ा है। खुश होते हैं हम नाचने लगते हैं, चित्रकारी मारने लगते हैं, और दुखी होते हैं रोने लगते हैं। एक ही सरल सी भाषा है। और संगीत शोर का नाम नहीं, जिसमें शोर मचे, मन को उद्वेलित करे और आत्मा को भी झंझोड़ दे, वो संगीत नहीं। संगीत है जो कि दिमाग, दिल और आत्मा को एक शांति प्रदान करे, एक सोच पैदा करे, एक उसके अंदर डूबता उतरता नजर आए। मैंने बहुत छुटपन से इस दुनिया में कदम रखा, कुछ पुराने जन्मों के ही संस्कार थे जो कि जुड़े हुए थे, और बहुत छुटपन से संगीत मुझे अपनी तरफ खींचता था। मैं एक खानदानी घराने से नहीं हूं, मेरे बाप दादाओं ने इसका काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जन्म जन्मांतर से इसी लाइन में रही हूं। हमारे देश में आज ये बड़े दुख की बात है कि आज भी लोग समझते हैं कि केवल खानदानी लोग ही ये काम कर सकते हैं, और जो वो ये करते हैं वही सही करते हैं। ये जरूर है उनकी देन है, लेकिन उनसे भी अधिक देन है उन लोगों की जिनके चारों तरफ से कोई सहारा नहीं था इस काम को करने का, और उन्होंने बड़े बड़े गुरुओं से कहना चाहिए शिक्षा ली, और उनके संपर्क में रहकर अपने आप और दुनिया से जूझते हुए इस काम को कर पाए। क्योंकि कोई भी काम किसी एक की धरोहर नहीं होता, ये हर एक इंसान की अपनी काबिलियत है कि वो किसी भी काम में हुनर पैदा कर सकता है। दूसरे, इतनी पीढ़ियों के आगे से गुजरने के बाद मैंने देखा कि बार बार हमारी एक पीढ़ी बदलती जाती है, कुछ साल बाद एक पीढ़ी बदलती जाती है और उस नई पीढ़ी को फिर से हमें बताना पड़ता है, क्योंकि आम जनता में को इतनी मालूमात नहीं होती। मैं संगीतज्ञों की बात नहीं कर रही, वो तो जानते ही हैं, इसके अंदर ही हैं वो, लेकिन जो आम जनता सुनने आती है वो बदलती रहती है और उनकी समझ भी बदलती रहती है। एक जमाना था आज से 40 साल का, पहले का, जब बड़े बड़े गुणी, बड़े बड़े विद्वान थे। मैंने उन सबको सुना है, और कुछ मेरा ऐसा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला उन सम्मेलनों में बजाने का भी, क्योंकि मैं 9 साल की आयु से बजा रही हूं। तो एक सुर का लगाव, एक चैन, एक विद्वता और एक दिल का बड़प्पन, और वही उनके काम में नजर आता था, सादगी, ये सब इन लोगों में भरी हुई थी। आज का एक ऐसा मॉडर्न जमाना आया है भागा दौड़ी का, आपाधापी का,
कि जिसमें कलाकार भी बेचैन है, जबकि हम लोगों को बिल्कुल बेचैन नहीं होना चाहिए। हमको केवल अपने संगीत से ही संबंध रखना चाहिए। लेकिन कुछ जमाना ऐसी तेजी से दौड़ रहा है और इस कदर हम लोग बाहरी दुनिया में भटकने लगे, जैसे कि अखबार, पब्लिसिटी, दिखावा और दूसरी तरह के प्रदर्शन करना, लोगों का मन को रंजित करना, केवल ऐसा हम सोचने लगे और करने लगे। खिलौनों पर जैसे होती है, वो अलग बैठे रहते थे। तो मैं जब गई तो उनके मुंह में देखा, मैंने मुंह में उनके माचिस की तीली लगी है, हाथ में बीड़ी है, बीड़ी पीते थे या सिगार या हुक्का, बस। और वो बार बार बीड़ी को जला रहे और मुंह में तीली थी वो जला रहे। उनको पता नहीं था मेरे मुंह में सिगरेट बीड़ी नहीं है। और उनके खाट में थोड़ा बहुत खाना गिरा पड़ा था जिस पर हजारों चीटियां थी। और वो संत यानी चीटी भी जानती थी कि ये क्या आत्मा है। कोई चीटी उनके बदन पर नहीं थी, कोई उनको काट नहीं रही थी। मैं गई एकदम, मैंने कहा उनके मुंह से वो तीली निकाली, मैंने कहा बाबा अरे रे तुम कब आई कब आई। फिर एक पुस्तक छपी थी मेरे ऊपर, वो मैंने उन्हें दिखाई, सबको वो प्यार करने लगे, तस्वीरों को उनको याद आने लगी। उसमें केवल पन्ना बाबू की तस्वीर नहीं थी। तो देखिए, जिनको ये नहीं पता मेरे मुंह में तीली है, वो कहने लगे शर्म एक बच्चे को तो मेरे छोड़ दिया तुमने, पन्ना बाबू की तस्वीर नहीं है। मैं देखकर दंग आ गई, सबकॉन्शियस माइंड उनका इतना काम कर रहा। मैंने कहा ये मैंने नहीं लिखी है, मेरे ऊपर लिखी गई है, उनकी गलती है। तो कहने लगे देखो अकेला बैठा रहता हूँ, तुम्हारी माँ मेरी से बात नहीं करती। उंगली पकड़ के बच्चे की तरह मैं उनको लेकर माँ के कमरे में गई। फिर मैंने कहा माँ से, ऐसे ही हंसते बिलते जैसे बच्चे करते हैं, मैंने कहा माँ ऐसे झगड़ा नहीं करते, बाबा से आप बात करो, अकेले बैठे रहते हैं। अब वो भी शर्माती थी, लजाती थी। तो उनका एक अलग सही जीवन था, जो कि वो कहते हैं कि हम देते हैं। आज भी वो लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष के बराबर नहीं मतलब कर सकती है। चाहे एक लड़का छोटा ही बजा रहा है गा रहा है, वो लोग समझते हैं कि भाई इसमें ताकत है। ये मन की ताकत से काम होते हैं, शरीर की ताकत से तो कर सहारा है। एक दफा बाबा ने बचपन में मेरे से कहा खान पीन तुम्हारा कैसा है, मैं कहा बिल्कुल वेजिटेरियन। कहने घास फूस खाती हूँ, मैंने कहा आप घास फूस कह दीजिए, महाराणा प्रताप ने भी घास की रोटी खाई थी। तो कहने घास फूस खाकर ये ठीकड़ा, जवे को बोले ठीकड़ा कैसे चलाओगे। मैंने कहा बाबा ये कोई खाने से थोड़ी बचता है, तो मन की शक्ति से बचता। ये बहुत बचपन की बात है। तो कहते थे अरे मर्दों का साज है, ये मर्दाना साज है, तुम सितार सीखो, वायलिन सीखो, गाना सीखो। मन कहे तो आपने ऐसा कह दिया, मोहब्बत किसी से करो, शादी किसी से करो, ये नहीं हो सकता बाबा। मैं उनसे बहुत साफ बोलता था, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैंने शादी भी उसी से करी जिससे मोहब्बत। मैंने कहा मैं ये सब नहीं। तो टेस्ट किया करते थे, आदमी की लगन को टेस्ट करते थे। नहीं बहुत से लोग कहते अच्छा जी ठीक है तो हम वही बजा लेते हैं। बहुत से शिष्य आते हैं ऐसे, तो थोड़े दिन सीखते हैं तो कहते हैं हम सोचते हैं अब कर्नाटक जाके थोड़ा कर्नाटक सीख ले, अभी तो तुमने यही नहीं कुछ सीखा है। बहुत से कहते हैं कि भाई अब वो हमने देखा बजा करके सितार, उंगली इतनी दुखती है, इतना यहाँ कटने लगता है, और इतना आप कहती हो इतनी देर रियाज करो, इतना देर मीण को खींचो, इतना वो करो, तो
तो कोई और चीज नहीं सीख सकते। मैंने कहा कहीं और चले जाओ, क्या देखेंगे, कमरा स्टेज बस। तो जिंदगी जो कलाकार की है वो एक बंद कमरे में। हम लोग तो ये भी नहीं कर सकते, चलो बड़ा खूबसूरत सा बगीचा वहां बैठ के बजाएं, अपने को ही सुनाई देगी सब, ये भी नहीं कर सकते। तो जिंदगी कब किस तरह खत्म हो जाती है करते करते, फिर भी नहीं पार पा पाते, फिर भी बेसुरे सुर लग जाते हैं, बेताले हो जाते हैं, बेदंगा साज भी कभी आवाज नहीं देता। ये सब काम बहुत कठिन है, इस साज को ही मनाना। मैं लोगों से कहती अगर मेरे लड़का या बच्चे होते तो आज 52 बरस 40 बरस के हो गए होते, कुछ सहारा ही मिलता। ये तो अभी तक गोदी में बैठा है, जैसा था वैसा ही है, उतना ही तक करता है। तो कलाकार के दुख सुख अलग है, इस दुनिया के लोगों से बहुत ऑपर जो काम करते हैं। कई दफा बहस होती है, लोग कहते हैं हर एक कोई दिक्कतें आती हैं अपने अपने काम की, इनके हर एक को एक अजीब और तरह का काम है, उसमें बिगड़ता नहीं। आप व्यापार करते हैं, आपको एक हद है। हाँ ठीक है, किसी का दिवाला निकल जाए, हम लोगों के भी तो दिवाले निकल जाते हैं, कोई हाथ से बेकार हो जाए, लेकिन हमको कोई सहारा देने वाला नहीं। देयर इज नो नथिंग एज सच के कोई इंश्योरेंस हमारी सरकार कर दे हमारे हाथ की या पैर की। विदेशों में एक एक कलाकार के हाथ पैर की इंश्योरेंस है, नाचने वाले के पैर की इंश्योरेंस है, शरीर की है। हमारे तो ये जब मरेंगे तभी दूसरों को मिलेगा। अब देखिए कितना फिल्मी सितारे चाहे कैसे ही बद्दे नाच रहे हैं, कैसे ही बद्दा गाना गा रहे हैं, कैसे ही लोगों को बिगाड़ रहे हैं, चोरी चकारी क्या नहीं सिखा रहे हैं। स्त्री का तो वहां अपहरण हुए बिना पिक्चर बनती नहीं, स्त्री को तो इतना गिरा दिया है, स्त्री का तो जितना अपमान कर रहे हैं ये सिनेमा वाले लोग। क्या स्त्री इसीलिए है, उसका दूसरा रूप भी तो दिखा सकते हैं, पहले भी तो बनती थी पिक्चर्स। तो आज जो है जितना भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हमको सोच कर उसमें एक सोच भरनी है। और हमारे जो संस्थान है, हमारी जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट एजेंसीज हैं, दे मस्ट लुक आफ्टर आर्टिस्ट। एक फिल्मी मामूली कलाकार को भी कई लाख रुपया मिलता है पिक्चर बनाने का, जबकि हम लोग यहां भी हम फ्री बैठे हुए हैं। नहीं देखिए हर एक की अपनी डिमांड है, लेकिन एक कुछ सरवाइव करना। आज इंस्ट्रूमेंट, मैंने बचपन में 10 रुपए का तबला खरीदा था, फिर 15 का, फिर 15 से जनाब वो 100 पर आ गया, 120 का आ गया, आज 2500 का तबला है। और सरोद, मेरा पहला सरोद 150 रुपये का बना था बचपन में, 9 साल 8 साल की आयु, और आज 10,000 से 16,000 तक का सरोद बनता है। आप एक लेंथ तार के लिए ये 2,500 में चमड़ा बदलते हैं, 2,500 लगता है चमड़ा बदलने का, कौन सीखेगा, गरीब बच्चे तो नहीं सीख सकते, दे कांट अफोर्ड टू बाई ए सरोद इवन। जब तक कि उनको कोई सहारा नहीं मिलेगा, एक टैलेंटेड आदमी कितने अपने ही उनका शास्त्र अलग बनता रहता है, स्टडी नहीं करते, कुछ देखते नहीं क्या। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बहुत ज्यादा कंसर्न है, इसलिए फर्क कई दूसरे घरानों से ये है कि इसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट है, जैसे स्वर मेगा राग बना तो वो उस अंदर जाती है और अंदर से बाहर निकलती है, बहुत सारे कई हैं वो सिर्फ तैयारी में ही रहते हैं और हाँ। नहीं उनको देखिए उनका वहां तक पहुंच नहीं है ना, वहां पहुंच नहीं है वहां तक। ये आप
प्रॉब्लम ये है कि जो लोगों को सोसाइटी में आम जो यंगर जनरेशन खासकर उसको कैसे एजुकेट किया जाए, इसका है रूरल या उसके लिए तो ये है कि देखिए जो यंगर जनरेशन के लोग सीख रहे हैं उनको सीखने के साथ साथ वो तो गुरु शिष्य परंपरा से ही सीख सकते हैं। और ये चूज करने की बात है कि जिसको डूबना है मरना है वही इसमें पड़े। नहीं वो तो बात ही थी कि दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो आर्टिस्ट बने क्रिएटिव हो और उनमें थोड़ा सा इनवॉल्व भी होना चाहिए, ना सिर्फ आपने नहीं इनवॉल्व की तो जरूरत है, वो सीख वो बिल्कुल कल्टिवेटेड तो नहीं है कोई चीज, तो इनवॉल्व थोड़ी बहुत रहती है आर्टिस्ट में क्रिएटिव हो तो वो तो हर एक आदमी को आर्टिस्ट नहीं, पर जनरल अप्रिशिएशन भी जो है उसके कोर्सेज करने चाहिए। ऐसा है कि जैसे आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो लोग जो हैं जैसे कल थक गए तो कम लोग आएंगे, तो आप एक गैप रख के रखिए और जिससे कि लोग आए। और जैसे स्टूडेंट्स हैं जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, आम जनता को तो मालूम बताना ही चाहिए सब, लेकिन जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ही एक उनका कोर्स में ये होना चाहिए कि हर महीने या जब भी आपका कलाकार आता है कोई तो वो उनको इसके बारे में बताए। कभी कभी आप ऐसा करिए कि एक राग को लेके ही चलिए और उनको इस राग के बारे में इतनी डिटेल से बताइए, सुनाइए, समझाइए और उनसे सवाल उठाइए। और कितने ही लोग ये नहीं जानते कि अपने साजों के बारे में बताइए, जैसे तानपुरा है, तानपुरा चार ही तार हैं, लोगों ने पांच कर लिए, चाहे छह कर लो सात कर लो कितने बढ़ाए जाओ, लेकिन सही चार ही तार। क्यों क्यों सही चार तार है? वो इसलिए कि जो भी हम राग बजाते हैं